आजमगढ़ जेल में बंद अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर शहर के व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी मामले में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़ जेल में निरुद्ध अमरजीत यादव के नाम पर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश में क्राइम ब्रांच की स्वात टीम व थानाध्यक्ष राजघाट को लगाया गया था, जिसके संबंध में सूचना संकलित की जा रही थी। उसी दौरान ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पास प्रभारी स्वात और थानाध्यक्ष राजघाट आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि मुखबिर की सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति फलमंडी की तरफ से आ रहा है। तभी एक व्यक्ति फलमंडी से आते दिखाई दिया, जिसे घेर कर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने के बाद पकड़े गए युवक के पास से धमकी देने वाला मोबाइल भी बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सुमित राय पुत्र अवधेश राय निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर का है। इस रंगदारी मामले का खुलासा करते हुए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया, ये 11 के शातिर अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर रंगदारी मांगने के नाम पर जो गिरफ्तार किया गया, इसका नाम सुमित राय है। इसने राजघाट के एक व्यापारी नीरज गुप्ता परसों उनको फोन करके अमरजीत यादव के नाम पे 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगा था और इस संदर्भ में व्यापारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राजघाट की टीम, स्वाट की टीम और सीओ क्राइम को लगाया गया था, जिनके पर्यवेक्षण निर्देशन में इस घटना का सफल खुलासा किया गया। फोन करने वाले युवक सुमित राय को उसी फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये युवक आपके सामने है, इससे पूछताछ में उन्होंने बताया था इनके पास एक गाड़ी है। बीकॉम ये रहने वाले मूल रूप से कुशीनगर के हैं, लेकिन मोहद्दीपुर में रहते हैं। कुशीनगर में इनका थाना है नेबुआ नौरंगिया पिपरा बाजार। बताओ भाई क्यों मांग रहे? तो फोन कह रहे थे कि पैसा 5 लाख का ही दो, जिला का रास अमरजीत यादव को दोस्त है नीरज गुप्ता। क्या करता नीरज गुप्ता? दुकान है कॉस्मेटिक। किस चीज की? कॉस्मेटिक। अरे अगर दोस्त है तो काहे को शिकायत करेगा? उसका नंबर पता नहीं था हमारा, नया नंबर। सुरक्षा कर्मी शादी में लगा दिया। किस स्तर की दोस्ती थी, मतलब कब दोस्ती हुई थी? कक्षा 6 से। और जिस नंबर से फोन किए थे जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से वो नंबर मिला, वो पर्ची में भी गलत था।